हेलो फ्रेंड्स, चलिए जुड़ जाइए। आज लाइव क्लास लेके आए हैं फीडर का। चैप्टर 4 जो हमारा चल रहा है उसमें कॉमन हैंड टूल है, ठीक है। तो इसके बारे में आज हम देखने वाले हैं। आज हैंड टूल में स्पैनर को हम कंप्लीट करेंगे। तो जो भी छात्र हैं, नए हैं, वो जल्दी से जुड़ जाइए। फीटर के बारे में आज हम क्लास कराने वाले हैं, तो जल्दी से जुड़ जाइए। और जो भी छात्र जुड़ेंगे लाइक शेयर कॉमेंट करते रहेंगे। पप्पू कुमार जुड़ चुके हैं, हाई करें। चलिए हेलो, जुड़ जाइए। देखिए, एक बात और बताना चाह रहे हैं कि अभी हमारा ऑफर चल रहा है कि 25 तारीख तक ये जो आप कोर्स परचेस कर सकते हैं, जो कंपटीशन टारगेट ऐप के माध्यम से, तो ये कम फी में हो जाएगा। लेकिन 25 के बाद फिर हमारा फी बढ़ जाएगा। ऐसा हुआ है वेल्डर के साथ, क्योंकि वेल्डर का जो डेट था वो 20 तारीख तक था और स्टूडेंट जो है वो 21 को फ़ोन किया है। तो कहने का मतलब ये है कि जब डेट ख़त्म हो जाएगा ना, तो वो फी रिवर्स नहीं होता है, ठीक है। मतलब वो फी कमता नहीं है। तो अगर आप कोर्स को करना चाहते हैं तो डेट से पहले ज्वाइन हो जाइए, डेट के बाद कोई ऑप्शन नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि डेट के बाद अगर कोई प्राइस भरना है या कुछ और चीज़ होना है तो वो होगा ही, क्योंकि ये एक प्लेटफॉर्म के माध्यम से ये जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये हमारे हाथ में नहीं होता है, ठीक है। तो अगर आप क्लास में ज्वाइन होना चाहते हैं ना, तो शुरुआत में ही ज्वाइन हो जाइए। ये वेट मत कीजिए कि बढ़ेगा कि घटेगा। अगर आप ज्वाइन होना चाहते हैं तो तुरंत ज्वाइन हो जाइए। चलिए, आर्यन कुमार जुड़ चुके हैं, गुड इवनिंग। चलिए, अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि आज हम फीटर का फर्स्ट ईयर का चैप्टर कॉमन हैंड टूल में स्पैनर को कंप्लीट करेंगे। यानी स्पैनर कितने भागों में होता है, स्पैनर में क्या क्या होता है, क्या क्या पढ़ना है, मतलब स्पैनर से संबंधित पूरा क्वेश्चन को क्लियर करने वाले हैं। तो जितने भी छात्र हैं जल्दी से जुड़ जाइए और कोशिश कीजिए कि अपने दोस्तों को लाइक शेयर कॉमेंट जरूर करें, ठीक है। चलिए हम शुरू करते हैं अपना क्लास, क्योंकि आज का हमारा क्लास है स्पैनर का, ठीक है। तो इसको हम शुरू करते हैं। जो भी छात्र हैं जल्दी से जुड़ जाइए और लाइक शेयर जरूर करेंगे अपने दोस्तों को। इससे क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा छात्र जुड़ जाएंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है हमारा स्पैनर। स्पैनर के बारे में जानते हैं, स्पैनर का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं। स्पैनर जो है ना, जनरली कॉमन हेल्प टूल है, ठीक है। जनरली ये आम लोगों के घर में भी अवेलेबल होता है, ऐसे इसका उपयोग तो वर्कशॉप में होता ही है, बट जनरली भी ये अवेलेबल होता है सभी के पास, क्योंकि इसका इस्तेमाल करते हैं नट बोल्ट को खोलने कसने के लिए। होता क्या है, इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि इसका जो साइप शेप होता है वो षष्टभुजाकार भी हो सकता है, स्क्वायर में भी हो सकता है, ठीक है। यानी ये नट के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। इसमें इसका जो फेस है वो खुला हुआ हो सकता है, बंद भी हो सकता है। इसमें डिफरेंट टाइप के आज हम बताने वाले हैं, ठीक है। तो उसको हम बताएंगे। मेन चीज़ क्या होता है कि स्पैनर का जो होता है वो एंगल, कितना एंगल पे झुका होता है, वो होता है 15 डिग्री एंगल पे झुका होता है। ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में हमेशा डिजिट पूछा जाता है, ठीक है। एक चीज़ और जान जाते हैं, स्पैनर जो होता है किस मेटल का बना होता है। देखिए यहाँ पे जैसे बता रहा है उपेंद्र सिंह, जय हिंद। आर्यन कुमार कब तक होगा ये क्लास, अप्रॉक्स 5 बजे तक होगा, 6 बजे तक होगा, क्योंकि 1 घंटे का मिनिमम क्लास हम लेके चलते हैं, ठीक है, मैक्सिमम। तो जुड़े रहिए, कम से कम 50 मिनट का तो होगा ही। और क्या है, आज स्पैनर को हम पूरा कंप्लीट करेंगे। देखिए इसमें हम थ्योरी और ऑब्जेक्टिव दोनों चीज़ देखेंगे, तो इसी के लिए परेशान नहीं होना है, ठीक है। सबसे पहले क्या है कि किस मेटल का होता है स्पैनर बना हुआ, वो जो है वेनेडियम स्टील का बना होता है। उसको क्या कर देते हैं, फोर्ज कर देते हैं, और उसको हीट ट्रीटमेंट द्वारा हार्ड और टेम्पर भी कर दिया जाता है। क्योंकि हार्ड और टेम्पर नहीं करेंगे तो क्या होता है, नट बोल्ट खोलने के क्रम में क्या हो सकता है, वो टूट भी सकता है, घिस सकता है। ऐसे ज़्यादा यूज करने पर तो घिस ही जाता है ना, लेकिन क्या होता है, उसको घिंचने से बचने के लिए हार्ड और टेम्पर किया जाता है, ठीक है। चलिए अब इसमें कुछ आगे देखते हैं। इसका बहुत टाइप होता है, ठीक है, बहुत प्रकार का होता है, तो उसके बारे में आज हम जानने वाले हैं। जो भी छात्र जुड़ जाएंगे वो लाइक शेयर जरूर करेंगे। सबसे पहला है हमारे पास ओपन हेड स्पिनर, ठीक है, ओपन इंडेड स्पिनर। इसका फिगर आपको हम बता देना चाह रहे हैं, ठीक है। यहां देखिए, ये सिंगल है, ये सिंगल ओपन है और इसका एक डबल भी है।
तो ये दो प्रकार का होता है, जो ओपन हेड है क्या है, दो प्रकार का होता है, एक सिंगल होता है और एक डबल होता है। तो सबसे पहले ओपन के बारे में समझते हैं, फिर सिंगल और डबल के बारे में समझेंगे। चलिए, जैसे कि हम बता चुके हैं कि इसका जो एंगल होता है वो कितना डिग्री पर होता है, 15 डिग्री पर इसका फेस जो है वो मुड़ा होता है, 15 डिग्री पे फेस मुड़ा होता है। और याद रखिएगा ये स्पैनर जो है ना 6, 8, 10, 12 के सेट में मिलते हैं, ठीक है, अकेला नहीं होता, ये हमेशा होता है सेट में होता है। इसमें क्या होता है, इसका उपयोग हम क्या करेंगे, नट बोल्ट को खोलने के लिए या कसने के लिए। और याद रखिएगा इसके बीच की दूरी जो होता है इक्वल होता है, क्लियर है, इसके बीच की दूरी जो है इक्वल है। तो इसका वर्किंग कैसे करते हैं कि नट में हम फंसा के, ठीक है, नट या बोल्ट में उसके हेड में फंसा क्या करते हैं, उसका जो हेड है मतलब थोड़ा सा एक फीट मतलब 10 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर के आसपास उसका स्पेस छोड़ा जाता है। तो उसको क्या करते हैं, पकड़ के हम फोर्स देते हैं, जिससे क्या होता है नट बोल्ट खुलता है या कसता है। तो इसका जो अवेलेबल मार्केट में होता है ये मिनिमम 6 mm से 32 mm के बीच में इसका साइज अवेलेबल होता है, 6 से 32 mm के साइज के बीच में अवेलेबल होता है। तो नेक्स्ट देखते हैं, फर्स्ट ओपन, ठीक है, एकल सिरा, यानी कहने का मतलब सिंगल एज ओपन स्पैनर, एकल सिरा, इसका एक फेस, जैसे कि दो पार्ट होता है जिसमें एक फेस होगा जो ओपन होगा, होता दो फेस का है, एक फेस भी देखेंगे, दोनों फेस देखेंगे, और पहला देखेंगे सिंगल एड ओपन, ठीक है। जो भी छात्र जुड़ेंगे लाइक शेयर जरूर करेंगे, और अगर आप कोर्स को करना चाहते हैं ना तो कंपटीशन टारगेट ऐप जरूर डाउनलोड करें, और जो समय दिया रहता है ना उससे पहले आप कोर्स को परचेज करें, क्योंकि होता क्या है जब समय निकल जाएगा ना तो वो जो फी बढ़ जाता है तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब समय के अंदर में ही अगर छूट दिया गया तो उसका लाभ उठाइए, नहीं तो फिर आप नहीं उठा पाइएगा। मनोरंजन कुमार जुड़ चुके हैं, गुड इवनिंग, आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, इससे क्या होगा कि आपके दोस्त भी साथ साथ क्लास कर लेंगे। और एक बात हमेशा ध्यान कर लीजिए कि अब जो है एग्जाम ज़्यादा चांस है ऑनलाइन होने का, तो हम यहाँ आपको कंप्लीट करवाएंगे ऐसा कि ऑनलाइन एग्जाम की तैयारी भी हो सके, ठीक है। और कंपटीशन टारगेट ऐप के माध्यम से हम ये चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे कि आप वहाँ पे ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट भी कर सकते हैं। जैसे कि होता क्या है कि हम लोग प्रैक्टिस बुक मारते हैं तो वो OMR के द्वारा मारते हैं, लेकिन ऐप में क्या है कि ऑनलाइन आप प्रैक्टिस कर सकते हैं ऐप में ही, तो वहाँ पे सारा फैसिलिटी दिया गया है। तो अगर आप कंपटीशन टारगेट ऐप नहीं डाउनलोड किए हैं तो जल्दी से डाउनलोड कीजिए। अगर आप इलेक्ट्रीशियन हैं, फिटर हैं या बिल्डर हैं तो ये तीन कोर्स कराया जा रहा है, जिसके साथ साथ अलग से ही बैच है उसका, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड ड्रॉइंग एंड SST, ये तीनों का एक कोर्स है, तो जरूर ज्वाइन हुए, ठीक है। चलिए देखते हैं सिंगल स्पैनर। देखिए सिंगल स्पैनर जैसे कहने का मतलब क्या है, इसमें केवल एक ही सिर के मुंह होता है, जैसे कि यहाँ पे देख रहे होंगे एक फेस बना हुआ है, एक ही साइड का फेस बना हुआ है। इसे क्या करते हैं, नट और बोल्ट को खोल या बंद कर सकते हैं, जैसा कि आपको हम बता चुके हैं कि स्पैनर का इस्तेमाल करेंगे नट और बोल्ट को खोलने के लिए। यहाँ पे जैसे देख दे रखा है क्या है, सिंगल एज ओपन एड, यानी क्या है ये सिंगल है, और याद रखिएगा ये हेक्सागोनल और स्क्वायर दोनों में होता है, क्लियर है। अब नेक्स्ट चलते हैं डबल में, तो डबल का कैसा फिगर है ये देखिए, डबल देखिए, जैसे कि सिंगल में क्या था, एक साइड था फेस बनाओ, इसमें क्या है डबल में दोनों साइड है। और याद रखिएगा दोनों का जो साइज होता है ना वो अलग अलग होता है, डिफरेंट टाइप का होता है, कोई जरूरी नहीं कि एक ही साइज हो, दोनों का साइज अलग अलग होता है। जैसा कि आप फिगर में भी देख रहे होंगे, इसमें क्या है एक ये साइड दिए हुए, इधर छोटा है और इधर बड़ा है, तो दोनों का जो साइज होता है वो अलग अलग होता है, क्लियर है। और इसका जो इसका याद रखिएगा दोनों साइज से डिफरेंट डिफरेंट टाइप के नट बोल्ट खोले कसे जाते हैं, क्योंकि दोनों से अलग, दोनों का साइज जब अलग होगा तो दोनों से अलग अलग खुलेगा। अब नेक्स्ट हमारा क्लोज इंडेड स्पैनर, क्लोज कहने का मतलब क्या होता है, बंद, यानी अब जो स्पैनर होगा उसका फेस जो होता है बंद, जैसे कि आप फिगर में देख रहे हो, गया देखिए क्लोज, यहाँ पे फिगर में क्लोज बंद है, वो बंद हो चुका है, यहाँ पे ये हैंडल है, क्या करते हैं हम लोग नट या बोल्ट इसको फंसा के और इसको इस्तेमाल करते हैं। तो इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं, जो जहाँ पे जगह कम हो, ठीक है, जो साइड में जो जगह कम हो तो इसको क्या करते हैं फंसा देते हैं ऊपर से, ठीक है, और इसको नट बोल्ट खोल लेते हैं या कस लेते हैं। इसमें क्या होता है, ये जो इसका जो शेप होता है वो हेक्सागोनल या स्क्वायर में हो सकता है, यानी षट्भुजाकार या चौकोर में हो सकता है। याद रखिएगा ये हेक्सागोनल को खोल सकता है और चौकोर को भी खोल सकता है, मतलब दोनों साइज में ही अवेलेबल होता है। नेक्स्ट देखते हैं, और एक चीज याद रखिएगा, इसमें जो होता है ना स्लिपिंग, जो मतलब फ्री हो जाता है वो संभावना बहुत कम होता है, जो स्लिप जाता है, स्लिप हो जाता है, मतलब जो नट का घाट यानी जो कोना जो होता है
उसका अगर खत्म भी हो जाए ना तो इसके द्वारा हम उसको खोल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि क्या होता है इसमें जो है हर एक, ये हेक्सागोनल टाइप का होता है तो इसमें हर एक घाट को फंस जाता है इसमें, जिससे कि मतलब खोला जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट टाइप का कौन सा हैमर है। नेक्स्ट है कॉम्बिनेशन स्पैनर। देखिए कॉम्बिनेशन कहने का मतलब क्या होता है, डिफरेंट टाइप का, ठीक है। कॉम्बिनेशन होता है डिफरेंट टाइप का। इसमें क्या दिया है, क्लोज और ओपन दोनों तरह की, जैसे कि आप फिगर में देख रहे होइएगा यहां पे दिए हुए है क्लोज, यानी ये क्लोज फेस है और यहां पे देखिए ये ओपन फेस है, यानी इसमें क्लोज और ओपन फेस दोनों दिया गया है। तो क्लोज में क्या होता है, वो बंद होता है, क्लोज का मतलब बंद होता है और ओपन का मतलब खुला हुआ है। जैसे कि ओपन में हम दो देख चुके हैं, सिंगल देख चुके हैं, डबल देख चुके हैं, एक क्लोज भी देख चुके हैं, और इसमें क्या है कॉम्बिनेशन है, मतलब सिंगल और क्या बोलते हैं क्लोज और ओपन दोनों का ये कॉम्बिनेशन है, तो इसी को बोलते हैं कॉम्बिनेशन स्पेयर स्पैनर, ठीक है। इसका एक मुंह बंद होता है और एक खुला होता है। याद रखिएगा दोनों से हम डिफरेंट टाइप के नट बोल्ट खोल सकते हैं। और इसका जो क्लोज, जैसे कि आपको हम बताना चाह रहा है, ये जो ओपन होता है ओपन का साइज फिक्स होता है, लेकिन क्लोज से क्या होता है इसे हम हेक्सागोनल नट भी खोल सकते हैं, नट बोल्ट और स्क्वायर भी, क्योंकि ये दोनों में फंस सकता है और इसको दोनों से हम खोल कर सकते हैं। अब बात करते हैं रिंग स्पैनर। जो भी छात्र जुड़ेंगे वो लाइक शेयर कमेंट करते रहना है। इससे क्या होगा कि हमें खुशी होगा कि चलिए कुछ छात्र जुड़े हैं तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर रहे हैं। अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए, उससे क्या होगा कि आपके जो 7 दोस्त हैं वो भी आके 7 क्लास कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं रिंग स्पैनर। स्पैनर कौन सा, वेनेडियम स्टील का बना होता है, जो कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं, ठीक है। तो क्या जो हम बताते हैं उसको ध्यान से सुनिए और शुरुआत से देखिए, अगर आपको कुछ मिस हो जाए तो पूछ लीजिए, और नहीं तो ऐप में इसका पीडीएफ होता है वहां से भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कोर्स को परचेज करना पड़ेगा। तो आप ऐप में जाइए, वहां से कोर्स को परचेज कर लीजिए और क्या होगा आप पूरा कोर्स कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे 3 क्लासेस चल रहे हैं, फिटर, इलेक्ट्रिशियन और वेल्डर, ये 3 क्लासेस चल रहे हैं। तो आप अगर आप इन तीनों में से कोई भी छात्र हैं तो जरूर ज्वाइन हो जाइए। और एक साथ और बता रहे हैं कि यहाँ वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड SST और ड्रॉइंग, ये इसका भी एक बैच है। तो ITI से संबंधित आप कोई भी ट्रेड हो उससे मतलब नहीं है, आप वर्कशॉप और ड्रॉइंग करना है तो अगर आप चाहते हैं वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड ड्रॉइंग करना SST करना तो उसका भी एक बैच क्रिएट है, वहाँ पर भी जाके आप ज्वाइन हो सकते हैं। बहुत कम फी में हम सारा कोर्स करवा रहे हैं, तो अगर आप ज्वाइन होना चाहते हैं तो कंपटीशन टारगेट ऐप जरूर डाउनलोड करें और कोर्स को परचेज करें, ठीक है। क्योंकि समय बहुत कम है और ऑफलाइन क्लासेस अभी बहुत लगभग एक दो महीने कम अभी नहीं चलेंगे। और याद रखिएगा जैसे ही लॉकडाउन खत्म होता है एक दो महीने के बाद जब क्लास नहीं चलेंगे, एक आपका एग्जाम का डेट आ जाएगा और आपको एग्जाम में अपेयर हो जाना पड़ेगा। तो क्या करना है कि आप वहाँ पर एग्जाम के लिए प्रिपेयर होने के लिए आपको ऑनलाइन क्लासेस करना ही होगा, क्योंकि अब ऑफलाइन की उम्मीद बहुत कम है, खास करके इस एग्जाम के लिए ऑफलाइन की उम्मीद बहुत कम है। तो आप हमेशा इस दिमाग से निकाल दीजिए कि अब ऑफलाइन कॉलेज या स्कूल में जाके पढ़ना है, क्योंकि इस सेशन में जो जुलाई में या अगस्त में एग्जाम होने वाला है तो उस सेशन के लिए आपको ऑफलाइन क्लासेस नहीं मिलेंगे, कॉलेज या स्कूल में क्लास उसका नहीं चलने वाला है। अगर आप क्लास करना चाहते हैं तो एक ही माध्यम है, ऑनलाइन माध्यम है। और ये एक कंपटीशन टारगेट ऐप जो है, एक प्लेटफॉर्म ऐसा है कि जहाँ पे इलेक्ट्रिशियन, फिटर, वेल्डर, ये 3 क्लासेस चल रहे हैं और साथ में SST, मैथ, ड्राइंग, इसका भी एक बैच शुरू है। तो अगर आप ज्वाइन होना चाहते हैं तो जल्द से जल्द समय से पहले ज्वाइन हो जाइए, जो डेट वहाँ पे दिया गया है लास्ट डेट उससे पहले ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि बहुत से सारे छात्र ज्वाइन कर रहे हैं, क्लास भी शुरू हो चुका है। और क्या है कि इसमें जो है फिर डेट के बाद फिर फी बढ़ जाएगा तो फिर कुछ छात्रों को प्रॉब्लम हो जाता है, जैसे कि वेल्डर में भी हो चुका है। तो कहने का मतलब है कि जल्दी से अगर आप ज्वाइन होना चाहते हैं तो ज्वाइन हो जाइए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम रिंग स्पैनर। क्या होता है, देखिए रिंग स्पैनर जो है इसमें क्या होता है, दोनों तरह क्या होता है, रिंग बना होता है और इसका क्या होता है, एक हेक्सागोनल होता है और एक में 12 खांचे कटे होते हैं। इसमें खांचे कटे होते हैं, हेक्सागोनल नहीं, खांचे कटे होते हैं। इससे क्या होता है कि डिफरेंट टाइप के, देखिए स्क्वायर भी फंस सकता है और जो मतलब कहने का मतलब जो हेक्सागोनल होता है उसको भी खोल सकते हैं। और इसमें क्या होता है, इसमें स्लिप का कोई मतलब कोई भी टेंशन नहीं होता, ये स्लिप नहीं करता। याद रखिएगा रिंग स्पैनर में खांचों की संख्या कितना होता है, तो 12 हो सकता है। याद रखिएगा ये क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, ठीक है।
ये क्वेश्चन आ सकता है। मेटल जो है ना वेनेडियम स्टील का बना होता है, इस चीज को याद रखिए लीजिए शुभम राज। वेनेडियम स्टील क्या होता है बताते हैं। वेनेडियम स्टील ऐसा मेटल है जो मतलब संघर्ष करता है। संघर्ष के मतलब क्या है, उस पर फोर्स अगर लगाते हैं ना तो वो जल्दी से खराब नहीं होता है। इसलिए हम ज़्यादातर टूल को ना वेनेडियम स्टील वहाँ पे इसमें इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि वो जल्दी खराब ना हो। और स्पैनर के काम क्या है, वो बार बार मेटल से संपर्क करता है और उसको क्या करता है, फोर्स करता है। जब हम नट बोल्ट को कसते हैं, खोलते हैं तो वहाँ पर फोर्स का इस्तेमाल होता है, इस चीज़ को याद रखिएगा। ठीक है, तो समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रिंग स्पैनर में दोनों साइड क्या होगा, रिंग बना होगा, एक छोटा होगा और एक बड़ा होगा। इसमें 12 नोच बने होंगे, इस चीज को याद रखिएगा कि रिंग स्पैनर में नोचों की संख्या कितना होता है, 12। ग्रुप कितना कटा होता है, 12। रोशन राज कुछ सही है। चलिए आगे देखते हैं फेस स्पैनर। देखिए फेस स्पैनर कहने का मतलब क्या होता है, यानी सामने पृष्ठ। ठीक है, इसका इस्तेमाल में देखिए, इसमें एक हैंडल होता है जिसमें दो पेन बने होते हैं, जैसा कि आप फिगर में देख रहिएगा। फिगर में देख रहिएगा, इसमें एक मतलब हैंडल में दो पेन लगा होता है, दो समझिए कि होल टाइप का होता है। इसमें क्या होता है, ये यू आकार का स्पैनर बनाया जाता है। इसे क्या है, ये यू आकार का एक स्पैनर बनाया जाता है। इसमें की दोनों पिन बोल्ट के हेड में बने होल में फंसा कर बोल्ट को खोला जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसको पिन में लगा फंसा कर बोल्ट को क्या किया जाता है, खोला या बंद किया जा सकता है। तो इसको याद रखिएगा कि फेस स्पैनर में कितने मतलब होल होते हैं, इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा एडजस्टेबल फेस है ना। एडजस्टेबल कहने का मतलब क्या होता है, इसको हम घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। ठीक है, जरूरत के हिसाब से, जैसा जरूरत होगा वैसा। याद रखिएगा इसमें दो पार्ट होता है, दोनों पार्ट को क्या किया जाता है, एक रिबिट के माध्यम से कसा जाता है, जैसे कि रिबिट या पिन लगाकर एक दूसरे को कस देंगे और क्या करेंगे, इसको जरूरत के हिसाब से मतलब स्पेस को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। इन पिनों के दूरी को घटाया और बढ़ाया जा सकता है। प्रद्युम्न यादव जुड़ चुके हैं, चलिए अच्छी बात है, जुड़ गए हैं तो कोशिश कीजिए। देखिए अपने दोस्तों को साथ जरूर शेयर कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन फिटर और वेल्डर तीन क्लासेस शुरू हो चुका है और इसमें से कुछ क्लासेस डेमो जो कि यूट्यूब के माध्यम से दिया जा रहा है, पूरा क्लास इस पर नहीं कराया जाएगा, इस पर सिर्फ हम कॉमन हैंड टूल कंप्लीट करवा देंगे, उसके बाद यहाँ पे क्लास नहीं होगा। और अगर आप पूरा क्लास करना चाहते हैं, पूरा अगर फिटर हो या इलेक्ट्रीशियन हो या वेल्डर हो, इसका पूरा क्लास जो है थ्योरी और ऑब्जेक्टिव दोनों कराया जा रहा है। इतना दिमाग में बैठा लीजिए कि यहाँ पे सिर्फ आपको कोर्स नहीं कंप्लीट कराया जाएगा, यहाँ पे कोर्स के साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कंप्लीट कराया जाएगा। कि ऑब्जेक्टिव इस तरह से आप पढ़िएगा कि टेक्निकल एग्जाम में अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसका भी तैयारी हो जाएगा। जैसे कि सेल फेल बहुत सारे कंपनियाँ होती है जो कि टेक्निकल एग्जाम होता है, तो उसके आप उसका भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं। तो अगर आप टेक्निकल हैं या नॉन टेक्निकल छात्र हैं तो कंपटीशन टारगेट ऐप जरूर डाउनलोड करें, क्योंकि यहाँ पर मैथ रीजनिंग SST और GK GS करेंट अफेयर सारे क्लास शुरू हो चुका है। तो अगर आप टेक्निकल के हैं या नॉन टेक्निकल के हैं तो जरूर आप ज्वाइन होइए। एक ऐसा प्लेटफॉर्म है यहाँ कंपटीशन टारगेट, जिस पे टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों की तैयारी कराई जा रही है। क्या होता है, टेक्निकल के छात्र जब भी एग्जाम देते हैं उसमें मैथ और रीजनिंग होता ही है, GK भी होता है कुछ क्वेश्चन, तो उसका भी यहाँ प्रिपरेशन कराया जा रहा है। तो मैथ और रीजनिंग का क्लास फ्री में मिल रहा है, यूट्यूब पर आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आप टेक्निकल के छात्र हैं, टेक्निकल की तैयारी करना है, तो इसके लिए ऐप डाउनलोड कीजिए और मिनिमम फी पर कोर्स को परचेज करके हमसे डायरेक्ट ज्वाइन हो सकते हैं। आपका कोई भी प्रश्न होगा उस ऐप में चैट का मैसेज दिया हुआ है, फोन नंबर है, ईमेल है, तो वहां से आप डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं एडजस्टेबल स्पैनर। जैसे आपको बता चुके हैं कि इसमें दो आर्म होता है, ठीक है, एक पिन के द्वारा इसको जोड़ा जाता है और जगह मतलब घटाया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है जरूरत के अनुसार। आनंद सेफ्टी, आनंद कुमार आपका क्लास नहीं हो पा रहा है। रोशन सिंह क्लास का देखिए फी क्या है, आप ऐप मतलब थंबनेल पर भी देख सकते हैं या आप ऐप में जाइए, वहां पे सारा चीज दिया गया है, आप वहां से जानकारी भी ले सकते हैं या कॉन्टेक्ट नंबर है वहां से आप संपर्क भी कर सकते हैं, उसके द्वारा डायरेक्ट बात हो जाएगी, या वहां पर सारा डिटेल दिया गया है ऐप में, तो वहां जाके आप पता कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम आगे पढ़ाते हैं। आनंद कुमार देखिए अभी क्या है, आपको बता दे रहे हैं, अभी ऐप पे क्लास जो है इसका सिर्फ वीडियो जा रहा है, लाइव क्लासेस क्या होगा टूल के बाद शुरू होगा। ठीक है, अभी हम
यूट्यूब के माध्यम से टूल तक पढ़ाएंगे, कॉमन हैंड टूल पूरा कंप्लीट इसमें करेंगे, उसके बाद यहाँ पे क्लास बंद हो जाएगा, उसके बाद ऐप के माध्यम से लाइव क्लासेस शुरू हो जाएगा। तो इसके लिए आप परेशान मत होइए, ठीक है। अगर आप क्लास ज्वाइन कर चुके हैं तो आप यूट्यूब के माध्यम से देखिए, या आपको वीडियो भी मिल जाएगा, और परेशान होने का जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी दो तीन क्लास इस पर हम चलाएंगे, क्योंकि कॉमन हैंड टूल अभी दो तीन क्लास और होगा, तो वो जब खत्म हो जाएगा उसके बाद डायरेक्ट ऐप के माध्यम से ही लाइव क्लासेस होगा। जैसा कि अभी वेल्डर का क्लास लाइव चल रहा है, इलेक्ट्रीशियन का भी चल रहा है, तो परेशान होने का जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हुक स्पेनर। देखिए हुक स्पेनर थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का होता है, ठीक है। ये स्पेनर जो होता है डिफरेंट टाइप का होता है, और इसका हम जनरली यूज करते नहीं है। इसका इस सबका इस्तेमाल जो है सिर्फ वर्कशॉप में ही किया जा सकता है। इसका स्पेनर में 90 डिग्री का एक वृत्त का सेंटर में एक सिरे पर हुक लगा होता है। देखिए जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे होइएगा, यहाँ पे एक हुक लगा हुआ है। ये कितना है, 90 डिग्री के अक्ष पे बना हुआ है। यहाँ पे कितना है, 90 डिग्री के अक्ष पे बना हुआ है। और ये दूसरा साइड क्या है, हैंडल है। हैंडल से क्या करते हैं हम लोग, मतलब खोलते या कसते हैं। इसमें क्या होता है, नट और बोल्ट की परिधि में बने छेद या स्लॉट में फंसाकर खोला जाता है। जैसे कि देखे होइएगा, किसी नट या बोल्ट में क्या होता है, होल दिया जाता है, तो होल में इसको फंसाकर खोला जाता है। जैसे कि यहाँ पे दे रखा है, ये हुक है, ये जो है ना होल में फंस जाता है, और हम लोग क्या करते हैं उसको, मतलब खोल लेते हैं। तो इसका जो है ना उपयोग बहुत कम होता है, ठीक है। इसका उपयोग बहुत कम होता है, और जनरली अगर होता भी है तो वर्कशॉप में होता है, जहाँ पे इसका फिटर संबंधित काम होता है, तो वहाँ पे इन सब टूलों का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे जनरली हम लोग नहीं करते हैं, मतलब जनरली इसका इस्तेमाल नहीं होता है, लेकिन इसका उपयोग वर्कशॉप में किया जाता है, क्योंकि वर्कशॉप में सारे टूल का इस्तेमाल किया जाता है जरूरत के हिसाब से। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट है एडजस्टेबल। देखिए उसमें था कि सिर्फ हुक स्पेनर था, इसमें एडजस्टेबल का मतलब क्या है कि इसको हम घटा, देखिए एडजस्टेबल का मतलब ही होता है, दिया जाता है कि हम जरूरत के हिसाब से उसको साइज को घटा बढ़ा सकते हैं, ठीक है। जरूरत के हिसाब से घटाया बढ़ा सकते हैं। इसमें क्या होता है, इसे कर सकते हैं, मतलब छोटा जो साइज का ब्रीथ का होगा, और याद रखिएगा हुक स्पेनर वहाँ इस्तेमाल करेंगे जहाँ पे ब्रीथ आकार का नट बोल्ट होगा। वहाँ पे हेक्सागोनल या स्क्वायर या 12 खांचे का नहीं होगा, वहाँ पे सिर्फ होगा तो होगा वो स्क्वायर होगा, यानी परिधि आकार का होगा। उसमें क्या करेंगे, परिधि के साइड में क्या होगा, ये वो होल बना होगा, ठीक है। परिधि के साइड में होल बना होता है, उसमें क्या करते हैं फंसा के। तो एडजस्टेबल में ये चीज दिया गया है कि इसमें बड़ा और छोटा, यानी छोटा भी, छोटा होल, छोटा ब्रीथ को भी, मतलब छोटा नट बोल्ट को भी खोल सकते हैं और बड़ा नट को भी खोल सकते हैं। तो एडजस्टेबल अधिक, मतलब आसान होता है, क्योंकि इसे हम अगर एक खरीद लेंगे तो इसे हम दोनों यूज कर सकते हैं, छोटा भी और बड़ा भी, जरूरत के हिसाब से। जैसा कि आप यहाँ पे फिगर में देख रहे होइएगा, यहाँ पे इसको एडजस्टेड किया गया है, यहाँ पे एक रिबिट के द्वारा जोड़ा गया है, मतलब इसको हम छोटा भी कर सकते हैं और ये तो बड़ा है ही, तो इसके लिए परेशान नहीं होना है, ठीक है। अगर आप फीटर के छात्र हैं तो जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि हम यहाँ पे फीटर का पूरा क्लास कराने वाले हैं। इलेक्ट्रीशियन और फीटर और वेल्डर तीनों क्लास शुरू हो चुका है, खास करके ITI वालों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण क्लास है, क्योंकि अभी ITI का ऑफलाइन क्लास कहीं नहीं चल रहा है। तो अगर ऑनलाइन क्लास करना चाहते हैं तो कंपटीशन टारगेट ऐप डाउनलोड कीजिए और जल्द से जल्द कोर्स को ज्वाइन कीजिए, क्योंकि क्या होता है, डेट से जब आगे डेट हो जाता है ना, तो फी जो है बढ़ जाता है। अनंत कुमार, देखिए ऑनलाइन जितने भी पेमेंट का ऑप्शन है ना, पेटीएम हो, फोन पे हो, गूगल पे हो, या डेबिट क्रेडिट, सारा ऑप्शन वहां दिया गया है। आप वहां पे जाइए, मतलब ऑनलाइन सिस्टम से जितना भी पेमेंट का होता है ऑप्शन, सारा ऑप्शन वहां दिया गया है। आप सारे मोड से पेमेंट कर सकते हैं, जिस मोड से आपके पास मतलब सुविधा हो, ठीक है। सिर्फ कैश पेमेंट नहीं है, बट ऑनलाइन सारा व्यवस्था वहाँ दिया गया है। तो आप एक बार ऐप डाउनलोड कीजिए, वहाँ पे जाइए, ठीक है, और वहाँ पे जाने के बाद आप उसमें सारा डिटेल ले सकते हैं। फिर अगर कोई सस्पेंस हो तो ऐप में चैट मैसेज दिया गया है, चैट पे आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, और विशेष जानकारी के लिए कॉल भी कर सकते हैं, हमारा नंबर दिया गया है वहाँ पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है एडजस्टेबल स्पैनर। देखिए ये भी एक स्पैनर है जो कि एडजस्टेबल है। इसके द्वारा क्या करते हैं, हम हर तरह के नट बोल्ट को खोल सकते हैं, हर साइज के, क्योंकि ये जो स्पैनर है हमारे आम, मतलब हर एक के पास अवेलेबल ही होता है, क्योंकि अगर छोटा छोटा नट बोल्ट भी खोलना है या बड़ा खोलना है तो इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। इसका साइज जो है ना, ये मार्केट में 150 mm या 300 mm साइज के अवेलेबल होता है, यानी 150 mm तक खोल सकते हैं मैक्सिमम, या 300 mm तक खोल सकते हैं।
याद रखिएगा, इसे ध्यान में दीजिएगा क्योंकि एडजस्टेबल है तो इसको हम साइज घटा या बढ़ा सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे एक एडजस्टिंग स्क्रू लगा होता है, इसको नचाने से क्या होगा, ये जो पार्ट है इसमें एक फिक्स पार्ट होता है, एक मूवेबल पार्ट होता है। तो फिक्स पार्ट जो होता है, ये फिक्स पार्ट जो दिख रहा है, ये पूरा मतलब हैंडल फ्रेम ये सब सारे फिक्स होते हैं, सिर्फ एक मूवेबल पार्ट होता है जो ये दिख रहा है आपको बता रहे हैं हम। ये मूवेबल क्या होता है, ये आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे करते रहता है, कब, जब हम ये स्क्रू जो है इसको हम नचाएंगे, ठीक है, इसको हाथ से नचाएंगे स्क्रू को, तो ये बड़ा छोटा होते रहता है। ये बहुत ही आसान होता है क्योंकि कोई भी किसी भी तरह का मनोरंजन फीटर सेकेंड ईयर का भी क्लास शुरू होने वाला है, इसके लिए परेशान मत होइए। आप सबसे पहले क्या कीजिए कि ऐप में जाइए, वहाँ पे ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। और क्लास की बात कर रहे हैं तो दो तीन दिन बाद फीटर का सेकेंड ईयर का भी क्लास शुरू होगा, क्योंकि अभी हम कॉमन हैंड टूल पढ़ा रहे हैं, तो हैंड टूल जैसे ही हमारा खत्म होगा हम फीटर का सेकेंड ईयर का बैच शुरू करेंगे। तो इसके लिए परेशान नहीं होना है। अगर आप सेकेंड ईयर के छात्र हैं, अगर आप पूरा कोर्स करना चाहते हैं, तो कंपटीशन टारगेट ऐप जरूर डाउनलोड करें और वहाँ से कोर्स परचेज करें, क्योंकि बिना कोर्स परचेज किए हुए आपको पूरा कोर्स नहीं कराया जाएगा। अगर आप सेकेंड ईयर के छात्र हैं तो वहाँ पे 5 डेमो क्लास दिया जाएगा जो कि बिल्कुल फ्री होगा यूट्यूब के माध्यम से। उसके बाद ऐप पे आपको ऑनलाइन क्लासेस होगा। तो अगर आप सेकेंड ईयर के छात्र हैं तो जल्दी जुड़ जाइए, कोर्स को परचेज कीजिए, अन्यथा क्या होता है कि जब समय खत्म हो जाता है ना, तो बहुत सारे बच्चे, आज भी हमको 2-3 बच्चे कॉल किए हैं कि सर मतलब वेल्डर का, क्योंकि वेल्डर का 20 तारीख तक ही डेट था और उसका फी भी बढ़ गया है। तो कहने का मतलब, ऑफर जो होता है वो डेट के अंदर तक ही होता है, डेट जब एक्सपायर हो जाएगा तो ऑफर भी खत्म हो जाता है। तो अगर आप कम से कम फी में क्लास करना चाहते हैं, तो अभी इसका जो फीटर का डेट है वो 25 तक डेट है, 25 तारीख तक, ठीक है, 25 मई तक डेट है, लास्ट डेट है। तो 25 मई से पहले अगर आप ज्वाइन हो जा रहे हैं तो कम फी में ज्वाइन हो जाइएगा, क्योंकि उसके बाद जो है फीस का फिर बढ़ जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं पूरा कोर्स करना, फीटर फर्स्ट ईयर हो या सेकेंड ईयर हो, क्योंकि दोनों का अलग अलग क्लास होगा, तो ज्वाइन होना चाहते हैं तो जल्दी से ज्वाइन हो जाइए। चलिए इसमें आगे चलते हैं। इसमें क्या हो रहा है, जैसे कि आपको बता दिए कि इसे हर तरह के नट बोल्ट खोला जा सकता है, ये 150 mm और 300 mm के साइज में अवेलेबल होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट है देखिए मंकी स्पैनर। इसका नाम क्या है, मंकी स्पैनर, ठीक है, ये याद रखिएगा। इसमें क्या होता है, इसे पूरे पार्ट पे नर्लिंग किया जाता है। नर्लिंग क्यों किया जाता है, नर्लिंग समझिए, नर्लिंग इसलिए किया जाता है कि नर्लिंग जब हम करेंगे ना तो उसको घुमाएंगे, ठीक है, आगे पीछे करेंगे तो हाथ फिसलेगा नहीं, क्योंकि जब हम वर्कशॉप में काम करते हैं तो हाथ में पसीना आना आ ही जाता है, क्योंकि हम वर्क करते हैं तो शरीर भी वर्क करता है, तो एनर्जी बहुत ज़्यादा आता है, जिससे क्या होता है हाथ गर्म हो जाता है और हाथ में पसीना भी आ सकता है। तो क्या होता है, जब हम उसको यूज करेंगे ना तो फिसल भी सकता है। तो यहाँ पे फिसल सकता है, तो इसीलिए क्या किया जाता है, इस पर नर्लिंग किया जाता है, ठीक है। और याद रखिएगा, जब नर्लिंग करके क्या किया जाता है, इसको 2-3 पार्ट में होता है, ये जो होता है ये 2-3 पार्ट में होता है, इसको क्या किया जाता है, असेंबल किया जाता है। यह एडजस्टेबल स्पैनर की तुलना में बहुत मजबूत होता है। एडजस्टेबल क्या होता है, वो उस पर ज़्यादा प्रेशर दीजिएगा तो वो टूट सकता है, बट ये क्या है, मंकी स्पैनर क्या होता है कि ये बहुत ही हार्ड होता है, इसको मतलब भारी भारी कार्यों में हम इस्तेमाल कर सकते हैं, भारी कार्यों में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। महेंद्र कुमार जुड़ चुके हैं, गुड इवनिंग। कोशिश कीजिए कि अपने छात्र जो भी दोस्त हैं, जो इलेक्ट्रीशियन हो या फिटर हो या वेल्डर हो, तो उनको इस वीडियो को जरूर मैसेज कीजिए, जरूर शेयर कीजिए, ताकि वो भी जुड़ के ऑनलाइन क्लास कर सके, क्योंकि अभी जो है लॉकडाउन सीरीज चल रहा है और लॉकडाउन हमें लगता नहीं कि अभी तुरंत खुलेगा, और अगर खुल भी जा रहा है तो एग्जाम क्लास तो खैर नहीं होगा क्योंकि डायरेक्ट एग्जाम शुरू हो जाएगा। तो अगर आप एग्जाम से पहले कोर्स को कंप्लीट करना चाहते हैं तो कंपटीशन टारगेट ऐप जरूर डाउनलोड करें, या आप इलेक्ट्रीशियन के हैं या फिटर हैं या वेल्डर, क्योंकि हमारे पास 3 क्लास शुरू हो चुका है, इलेक्ट्रीशियन फिटर वेल्डर का थ्योरी और ऑब्जेक्टिव दोनों कराया जा रहा है, और वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस ड्रॉइंग SST, अगर ये तीनों सब्जेक्ट का एक बैच है, अगर आप ये तीनों कोर्स भी करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन हो सकते हैं, जल्द से जल्द ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि सबका डेट फिक्स दिया गया है। अगर आप डेट से पहले ज्वाइन हो जा रहे हैं तो आपको फायदा होगा, क्योंकि बहुत सारे पैसे बच जाएंगे, कम पैसे में आप कोर्स को परचेस कर सकते हैं, लेकिन अगर आप डेट खत्म हो जाएगा तो फिर ऑफर खत्म हो जाएगा, आपको पैसे ज़्यादा पे करने पड़ जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं, मंकी स्पैनर समझ गए, ये बहुत ही हार्ड होता है, ये
इसका इस्तेमाल हम भारी भारी कार्यों में कर सकते हैं। ये सॉफ्ट नहीं होता है, एडजस्टेबल सॉफ्ट होता है क्योंकि उस पर ज़्यादा प्रेशर देंगे तो वो टूट सकता है। बट क्या है, ये जल्दी टूटता नहीं है। इसमें क्या होता है कि नर्लिंग किया होता है इसके हैंडल पे, और ये जो है पार्ट दो तीन पार्ट में होता है, इसको असेंबल किया जाता है। क्लियर है, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा टी सॉकेट स्पैनर। जैसे कि आप फिगर देखिए, टी सॉकेट स्पैनर क्या होता है, टी सॉकेट स्पैनर का इस्तेमाल कहाँ करते हैं वो समझ लीजिए। देखिए टी सॉकेट स्पैनर जो है ना, होल जो होता है, अब देखिएगा कहीं कहीं मशीन में क्या होता है कि मशीन के जैसे दो पार्ट को जोड़ना है तो उसमें कुछ होल दिया हो जाता है कि होल के अंदर में ही नट को या बोल्ट को कस दिया जाए, ठीक है। तो उसको खोलने या कसने के लिए सॉकेट स्पैनर का इस्तेमाल करेंगे। कि क्या होता है कि मशीन के अंदर में नट बोल्ट हो, उसको खोलने या कसने के लिए सॉकेट स्पैनर का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो इसका जो शेप होता है वो टी साइज का होता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो है हैंडल वाला पार्ट है, और जो नट बोल्ट जो खुलता है वो ये वाला पार्ट है। ये क्या है, इसमें हेक्सागोनल बना होता है, स्क्वायर भी बना होता है, वो जरूरत के हिसाब से बना होता है। और आप जैसा भी चाहें, मतलब अगर हमको जिस टाइप का नट बोल्ट खोलना है उस टाइप के हम इसका यूज कर सकते हैं। तो इसके सीधी भाषा में अगर समझे तो इसका इस्तेमाल जो मशीन के अंदर जो नट है, नट बोल्ट कसा जाता है, उसको खोलने के लिए करेंगे। जहां पे जगह कम हो कि वहां पे घुमाया ना जा सके, तो इसको ऊपर से हम लगा के नट या बोल्ट खोल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है। नेक्स्ट टॉपिक है ऑफसेट सॉकेट स्पैनर। ऑफसेट का कहने का मतलब देखिए, इसका इस्तेमाल हम ज्यादातर कहां करते हैं, भारी वर्कों में। देखिए आप देखे हुए ऑफसेट को, इसका इस्तेमाल करते हैं ट्रक वगैरह के चक्का खोलने में। क्योंकि क्या होता है, उसमें एक नट टाइप का जो हेक्सागोनल हो या स्क्वायर हो, वो लगा के एक हैंडल उसमें लगा के तब खोला जाता है, ठीक है। वो दो पार्टे में होता है, और इसका जो एंगल बना होता है, यहाँ पे देखिए ये 90 डिग्री का बना होता है, ठीक है, ये 90 डिग्री के मोड़ पर बना होता है। इसको ऑफसेट स्पैनर बोल सकते हैं। इसका एक ही साइज में प्रयोग में लाया जा सकता है, याद रखिए कि इसको एक ही साइज में, या तो ये हेक्सागोनल हो या स्क्वायर। नेक्स्ट देखते हैं ट्यूबलर। देखिए ट्यूबलर भी बहुत आसान है, जैसा कि आपको बताए हैं पिछले में ये जो बताए हैं सेम वही है, ऑफसेट के तरह ही ट्यूबलर है। इसमें क्या करते हैं, इसको हम 90 डिग्री पर घुमा हुआ एक मतलब हैंडल इसमें लगा के करते हैं। लेकिन ट्यूबलर में क्या करते हैं, इसमें एक बॉक्स इंड होता है। देखिए जैसे आप समझिए, इसको बढ़िया ही समझिए, ये पाइप स्पैनर जो है, एक पाइप को फोर्ज करके इसको सिरों पर नट बोल्ट आकार के अनुरूप दिया जाता है। जैसे कि यहाँ पे देख रहिएगा, एक बॉक्स यानी एक साइड ये है और दूसरा साइड ये, हाँ ये है, ये जो पार्ट है ये पाइप है। देखिएगा पाइप के बीच में क्या होता है, एक हैंडल लगा दिया जाता है जिसको हम पकड़ के नचा कर उसको खोल सकते हैं। और याद रखिएगा दोनों साइड का शेप अलग अलग होता है, क्योंकि ये दो पार्ट में होता है तो दो पार्ट का दोनों का शेप अलग अलग होगा, ठीक है। और इसका जो हैंडल होगा ना, उसी पार्ट में होगा जो होता है पाइप, उसी पाइप में। देखिए जैसे कि अगर इधर से हमको खोलना है तो इस साइड में लगा दिए, और यहाँ पे भी देखिए होल बना हुआ है, तो अगर इधर से खोलना होगा तो इधर हम हैंडल को खोलकर इसमें लगा देंगे। तो ये जरूरत के हिसाब से चेंज किया जा सकता है। नेक्स्ट है टूल पोस्ट स्पैनर क्या है। देखिए टूल पोस्ट स्पैनर बहुत ही आसान होता है, और इसका इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं, देखिए ये जो होता है हमेशा स्क्वायर में अवेलेबल होता है। क्या है, स्क्वायर में अवेलेबल होता है, और ये जो है खोलते कसते हैं किसी के सपोर्ट के, ये डायरेक्ट नहीं खुलता है, ये किसी ग्रुप जो होता है ना, जैसे कि कहीं मशीन के अंदर में नट बोल्ट खोलना हो, जैसे कि देखिए इसका दो पार्ट है, एक है ओपन माउथ यानी खुला हुआ, तो इसे हम स्क्वायर नट खोल सकते हैं। और यहाँ पे एक फेस पे ही स्क्वायर मतलब घाट बना दिया जाता है, ये घाट को हम फंसा के तब नट खोलते हैं, नट या बोल्ट को, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि ये आसानी होता है कब, जब स्क्वायर हो तब, जो नट बोल्ट हो वो स्क्वायर हो तब, ठीक है। तो ये हमारा था स्पैनर का चैप्टर था, जो कि स्पैनर हमारा टोटली कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। और बहुत सारे टाइप हम स्पैनर के लेके आए हैं। आज हम स्पैनर जो हमारा खत्म हो चुका है, अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक क्या है, रिंच है, जो कि आप समझते होइएगा रिंच का इस्तेमाल कहाँ करते हैं। इसका इस्तेमाल करेंगे जहाँ ज़्यादा टाइट होगा, ठीक है, ज़्यादा टाइट हो तो प्रधुमन। देखिए वेल्डिंग का क्लास शुरू हो चुका है, और वेल्डिंग का क्लास जो है यूट्यूब पे नहीं है, ऐप के माध्यम से लाइव क्लास शुरू हो चुका है। तो अगर आप अभी तक नहीं जुड़े हैं तो वहाँ जाके आप जुड़ सकते हैं, क्योंकि
सात नंबर सात क्लास हम कर चुके हैं। वेल्डिंग का हम सात क्लास तक कंप्लीट कर चुके हैं और वेल्डिंग का जो है क्लास सुबह में 7 बजे शुरू है, तो अगर आप ज्वाइन होना चाहिए चाहते हैं जो जल्द से जल्द कंपटीशन टारगेट ऐप डाउनलोड कीजिए, वहां से जाके कोर्स को परचेज कीजिए, क्योंकि ये सारे जो ट्रेड है वेल्डर हो या इलेक्ट्रीशियन हो या फिटर, ये फ्री में आपको अवेलेबल नहीं है। सिर्फ डेमो क्लास आपको 5-6 क्लासेस डेमो दिया जा रहा है, ठीक है। तो अगर आप पूरा कोर्स करना चाहते हैं तो आपको कोर्स परचेज करना पड़ेगा, अन्यथा आपको पूरा कोर्स नहीं कराया जा रहा है, ठीक है। और याद रखिएगा, अभी क्लास ऑफलाइन क्लासेस भी शुरू नहीं होने वाले हैं, क्योंकि डायरेक्ट अब जब सारा चीज ठीक होगा तो डायरेक्ट अब ऑनलाइन होगा। अगस्त या सितंबर के आसपास एग्जाम होगा, तो अगर आप चाहते हैं कि उससे पहले तैयारी करना तो कंपटीशन टारगेट ऐप जरूर डाउनलोड करें, क्योंकि यही एक प्लेटफॉर्म है जहां टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों की तैयारी कराई जा रही है लाइव क्लासेस के माध्यम से। आपको जो भी डाउट होगा वहां डायरेक्टली पूछ सकते हैं, उसमें एक चैट का ऑप्शन दिया गया है और उसका डायरेक्ट आंसर दिया जा रहा है जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए आप परेशान नहीं होना है, आप डायरेक्ट हमसे जुड़ सकते हैं वहां से चैट के माध्यम से। तो जाइए कंपटीशन टारगेट ऐप डाउनलोड कीजिए और हमसे डायरेक्ट जुड़ सकते हैं कोर्स परचेज करने के बाद। तो चलिए आगे देखते हैं रैचेट रिंच। देखिए रिंच का कहने का मतलब क्या है, ये जो पाइप जो कल जो मतलब जो चापा कल जो बनाते हैं या चापा कल को गाड़ते हैं वहां पे रिंच का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते हैं। रिंच का काम क्या है, इसका इस्तेमाल जो है स्क्वायर या सर्किल पे किया जाता है। इसमें रैचेट मैकेनिज्म की सहायता से हैंडल को आगे पीछे चलाने पर बॉक्स एक ही दिशा में घूमता है। याद रखिएगा, इसमें आगे पीछे घुमाएंगे ना तो क्या होगा, एक ही दिशा में मूव करेगा ये। अगर आगे जा रहा है तो आगे जाएगा, पीछे जाएगा तो पीछे। इसका इस्तेमाल आप देखे होइएगा जहाँ पे चापाकल अगर कोई मिस्त्री बना मतलब गाड़ रहा है तो इसका इस्तेमाल वो जरूर करता है, ठीक है। आगे और तरह के आएंगे, रिंच स्पेनर, बहुत सारे स्पेनर है, तो इसका इस्तेमाल जो है वहां पे कम होता है। इसके एक हैंडल होता है और इसमें बताते हैं आपको, इसमें एक हैंडल होता है, इसके दो भाग होते हैं जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे एक है और यहाँ पे है, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, पिन एडॉप बॉक्स स्पेनर बना होता है, ठीक है। और इसमें नट और बोल्ट को हेड को फंसा कर हैंडल की सहायता से घुमाया जाता है। इसमें नट और बोल्ट को फंसा देते हैं, क्या करते हैं जैसा कि यहाँ देखा होगा, इसमें क्या करते हैं नट या बोल्ट को फंसा देते हैं और घुमा देते हैं। तो रैकेट मैकेनिज्म की सहायता से हैंडल के द्वारा आगे पीछे घूमते रहता है। और याद रखिएगा, एक लीवर होता है, इसमें एक घूमने के लिए लीवर लगा होता है। और याद रखिएगा, इसका बहुत बड़ा लाभ होता है, कैसे, क्योंकि इसको बार बार नट बोल्ट पर सेट करने का आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक बार सेट कर दिया, इसको घुमाते जाइए खोलता कसता जाएगा। तो इसके डिफरेंट टाइप दिया हुआ है, तो उसको हम देखते हैं। सबसे पहला है चेन टाइप स्पैनर। देखिए चेन टाइप स्पैनर तो सारा वही है, चेन टाइप भी है वही जो कि अभी बता रहा है, पाइप जो चापाकल गाड़ता है मिस्त्री वो ये काम करता है, या प्लम्बर वाले मिस्त्री जो भी है, प्लम्बर जो ट्रेड है वहां पे पाइप पड़ना है तो वो ज्यादा इस्तेमाल करता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, खांचा बना होता है, खांचा कहने का मतलब ग्रुप बना होता है, और इसके द्वारा एक चेन एक दूसरे से, देखिए चेन जो होता है वो एक दूसरे से कनेक्टेड होता है, और इसका क्या करते हैं, पाइप में क्या करते हैं हम लोग, इसमें लपेट के और क्या करते हैं, एक में फंसा देते हैं, ग्रुप बना होता है इसमें, जैसे एक साइड से चाहे लपेट दिए और एक साइड में इसको फंसा देते हैं और इसको खोलते रहते हैं। तो अगर उसके बाद क्या करता है, ये खुल जाता है या कसा जाता है। तो अगर आप चाहते हैं रेगुलर क्लास करना तो कंपटीशन टारगेट ऐप जरूर डाउनलोड करें। चलिए ये तो हमारा हो गया चेन पाइप रिंच। उसके बाद आगे देखते हैं पाइप रिंच के बारे में समझते हैं। देखिए पाइप रिंच ये भी वही है, आपको वही बताना चाह रहे हैं, ये भी वही चीज है। इसमें हैंडल के एक स्थित जबड़ा होता है और दूसरा चलनिया, एक फिक्स होता है और दूसरा मूवेबल होता है, जैसा कि आपको हम बता देते हैं। ये सारे पार्ट क्या है, फिक्स है, और ये जो पार्ट है ये मूवेबल है, यानी ये आगे पीछे होता है। यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पे घाट बना होता है, घाट करने का मतलब थ्रेड टाइप का बना होता है, और इसके द्वारा हम किसी भी तरह के जो मतलब हेक्स स्क्वायर, हेक्सागोनल या वृत्ताकार का सर्किल या पाइप जो हो उसको किसी भी तरह के हम मतलब उसको खोल या कर सकते हैं, ठीक है। इसका साइज जो है 150 mm और 300 mm के मार्केट में अवेलेबल है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं स्ट्रैप रिंच। देखिए ये भी वही है, लेकिन सबका काम थोड़ा थोड़ा अलग होता है।
सबका काम क्या होता है, थोड़ा थोड़ा अलग होता है। जब पाइप रिंच या चेन रिंच के द्वारा किसी पाइप को पकड़ते हैं तो पाइप पर निशान पड़ जाते हैं, समझ में आया बात, पाइप पर निशान बन जाते हैं। लेकिन इस अगर निशान बन जाएगा तो क्या करते हैं, मुलायम धातुओं को पाइप दब भी जाते हैं। देखिए मुलायम सॉफ्ट धातु होगा तो क्या होता है, पाइप दब भी जाता है, ठीक है, कभी कभी फूट भी सकता है। तो उसी को क्या करते हैं, इसमें चेन के स्थान पर क्या करते हैं, एक कैनवास बेल्ट लगा देते हैं, मतलब एक बेल्ट लगा देते हैं, एक तरह समझिए कि पट्टी लगा देते हैं। और जो भी छात्र जुड़ेंगे वो लाइक शेयर कमेंट जरूर करेंगे, क्योंकि देखिए आपका लाइक शेयर कमेंट ही मेरा उत्साह बढ़ाता है, जिससे हम आपको क्लास पे क्लास दिए जा रहे हैं। और याद रखिए जैसे हमने सोचा है कि हैंड टूल, कॉमन हैंड टूल जो है उतना हम कम से कम पूरा जरूर कराएंगे, तो हैंड टूल को कंप्लीट करा के उसके बाद एप्ट पर चलेंगे। तो जो भी छात्र जुड़े हैं लाइक शेयर कमेंट जरूर करेंगे। चलिए चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है, एलएन की। एलएन की जो होता है इसका सीधा याद रखिए, इसको 90 डिग्री पे मुड़ा जाता है। देखिए यहाँ पे जैसे आप फिल्म फिगर में देख रहे होंगे, ये 90 डिग्री पे मुड़ा जाता है। ये विभिन्न टाइप के साइज में होता है, इसका सबसे कम 2 mm साइज होता है, मिनिमम साइज क्या होता है 2 mm तक के साइज में अवेलेबल होता है। और याद रखिए इसका इस्तेमाल बहुत छोटे स्क्रू बोल्ट को खोलने के लिए होता है या कसने के लिए, ठीक है, यानी तंग जगहों पर, जहां मतलब कम से कम जहां जगह होता है ना वहां पे इसका इस्तेमाल करते हैं। और इसका हेड जो है सिलिंड्रिकल होता है, मतलब हेक्सागोनल होता है, ठीक है, और हेक्सागोनल की जगह खोला जाता है। इसका विभिन्न साइज में अवेलेबल होता है। इसके बाहरी सतह पर मिलिंग किया जाता है, देखिए जो टूल होता है इसके बाहरी सतह पर क्या होता है, मिलिंग किया जाता है। ये हेक्सागोनल होता है, इसको 90 डिग्री पर मोड़ दिया जाता है। और एक एलएन स्क्रू भी होता है, स्क्रू देखिए ये जो पार्ट है मशीन में कसा जाएगा, और इसमें क्या करेंगे एलएन की लगाकर इसको खोलेंगे या कसेंगे। तो की दो प्रकार के होता है, जो कि एलएन की है एगो स्क्रू है, एलएन स्क्रू है, दोनों के बारे में समझ गए। कोई भी दिक्कत होगा डायरेक्ट कमेंट में पूछ सकते हैं, या अगर ऐप वीडियो ऐप के माध्यम से देख रहे हैं तो वहां चैट में डायरेक्ट पूछ सकते हैं, आपको हर प्रॉब्लम का सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे है लीवर टाइप जबड़ा। लीवर का मतलब क्या होता है, जब हम किसी जॉब को पकड़ते हैं, देखिए यहां पे खांचा बना हुआ है, इसमें दो पार्ट होता है, एक फिक्स होता है एक रिमूवल होता है। ये जो है फिक्स है और ये मूवल रिमूवल है, ठीक है, यानी इसको आगे पीछे किया जा सकता है। और जो भी छात्र जुड़ेंगे वो लाइक शेयर कॉमेंट जरूर करेंगे, इससे क्या होगा कि हमारा उत्साह बढ़ेगा, हम रेगुलर लाइव क्लास लेके आएंगे, और हमारा हैंड टूल कॉमन हैंड टूल पूरा लाइव क्लास जाएगा, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि कोर्स को परचेज करें तो जल्द से जल्द करें, क्योंकि 25 तक इसका लास्ट डेट दिया गया है, तो 25 के बाद इसका फी भी बढ़ सकता है, तो जल्दी से ज्वाइन हो जाइए। आगे देखते हैं, ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि किसी भी साइज में इसको हम पकड़ के खोल सकते हैं, कोई भी साइज में, ठीक है। इसमें लॉक ना खोले, जब तक लॉक, इसमें क्या होता है एक लॉक दिया जाता है, क्या होता है लॉक दिया जाता है। महेंद्र कुमार देखिए बोरिंग का भी चलाएंगे, देखिए बोरिंग जब चैप्टर आएगा तब पता पढ़ाएंगे ना, आपको डायरेक्ट बोरिंग पे नहीं ले जा सकते ना, शुरुआत से हम शुरू किए हैं तो सबसे पहले जरूरत है टूल के बारे में जानेंगे, उसके बाद हम बोरिंग करेंगे, ठीक है। तो चलिए इसके बाद हम जानते हैं, चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट है सावधानी, ठीक है, सावधानी के बारे में समझते हैं। लाइट यहाँ पे हमारे कट गया है तो परेशान होने की जरूरत नहीं, फिर भी हम करा सकते हैं। चलिए सावधानी में जानेंगे कि स्पैनर में आवश्यकता से अधिक बल लगाने से टूट सकता है, ठीक है, तो ये चीज़ समझ में। तो इसीलिए, और याद रखिए कभी हैमर का इस्तेमाल इस पर नहीं करेंगे, कभी भी हैमर का इस्तेमाल इस पर नहीं करेंगे, तो इसके लिए आपको ध्यान रखना होगा कि कभी भी हैमर का इस्तेमाल इसमें नहीं करेंगे, ठीक है, कभी भी हैमर का इस्तेमाल इस पर नहीं करेंगे, तो इसके लिए आपको परेशान होने का जरूरत नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, एक बोल्ट जिसके सिरे गोल हो चुके हैं या स्पैनर जिसका मुंह खुला हो चुका है प्रयोग में नहीं, ये क्या कह रहा है कि एक ऐसा स्पैनर जो खराब हो चुका है या जिसका सिरा गोल हो गया है, जिसका घाट खत्म हो गया है, जिसका थ्रेड जो है टूट चुका है, उसका उपयोग नहीं करेंगे या उस पर हैमर का इस्तेमाल नहीं करेंगे।
नेक्स्ट है नट बोल्ट को उचित साइज या स्पैनर का ही प्रयोग, जिस साइज का वो स्पैनर है उसी साइज का इस्तेमाल करना चाहिए, दूसरा साइज नहीं लेना चाहिए। नेक्स्ट है चार नंबर, जाम हुए नट बोल्ट को खोलने के लिए पेनिट्रेशन का उपयोग करना चाहिए, हथौड़ा से हल्के हल्के चोटे लगाने से जाम खुल जाता है। देखिए पेनिट्रेशन अपनाना चाहिए और हल्का 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 सा हथौड़ा से चोट अपनाएंगे, नहीं तो क्या होगा हथौड़ा वो टूट सकता है। नेक्स्ट है एडजस्टेबल स्पैनर, एडजस्टेबल स्पैनर का प्रयोग करते समय ध्यान रखना चाहिए कि चल जबड़ा बल की दिशा में रहे। देखिए मूवेबल जिस तरफ हम फोर्स लगाते हैं मतलब मूवेबल पार्ट उसी दिशा में होना चाहिए, नहीं तो वो भी टूट जाएगा। और ग्रीस लगे हुए स्पैनर का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बात समझ में आ गया, तो ये सब सारा सावधानी था, तो इसको आप हमेशा याद रखिएगा। ये हमारा आज स्पैनर चैप्टर खत्म हो रहा है, नेक्स्ट कल हम दूसरा टॉपिक लेके आएंगे जो कि कॉमन हैंड टूल का ही होगा। तो अगर आप चाहते हैं पूरा क्लास करना तो कंपटीशन टारगेट ऐप जरूर डाउनलोड करें, क्योंकि यही एक माध्यम है जो कि टेक्निकल और नॉन टेक्निकल की तरह तैयारी कराई जा रही है। और इसके साथ मैथ रीजनिंग का भी क्लास हो रहा है, जीके जीएस का भी शुरू होने वाला है, करंट अफेयर का भी शुरू होने वाला है। तो अगर आप पूरा कोर्स करना चाहते हैं इलेक्ट्रीशियन फिटर या वेल्डर का, तो कोर्स को मतलब कंपटीशन टारगेट ऐप जरूर डाउनलोड करें, कोर्स को परचेज करें और डायरेक्ट हमसे संपर्क करें, आपका 100% सॉल्व